हमको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है 8 और 12 का, तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम 8 और 12 को इस तरह लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो है वो 2 है, 2 जो है वो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करता है। 2 4 8 और 2 6 12। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि 4 और 6 को कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों नंबर्स को कौन सा नंबर डिवाइड करता है। तो इसको भी 2 ही डिवाइड करता है, 2 2 4 और 2 3 6। अब जो हमारे पास 2 और 3 है, तो हमारे पास 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा जो हमारे पास लेफ्ट पे नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ये हमारा HCF हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। हमें HCF फाइंड आउट करना है 24 और 30 का, HCF ऑफ 24 एंड 30। यहाँ पे भी जो है हम 24 और 30 को इस तरीके से लिख लेंगे और जो है इसके बाद हम इसको हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल हैं। तो ये दोनों नंबर इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल हैं। 2 1 ज़ा 2 2 4 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे 12 और 15 ये दोनों किस नंबर से डिविजिबल हैं। तो ये दोनों 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब देखेंगे हम ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं या 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, तो ये दोनों नंबर आपके 3 से डिविजिबल हो गए। अब इसके बाद हमारे पास बचा है 4 और 5। तो हमारे पास 4 और 5 जो है वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है। यानी कि जैसे 4 है वो 2 से तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो है हम इसको यहाँ पे इस प्रोसेस को रोक देते हैं। इसके बाद जो है वो HCF आपका क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास लेफ्ट पे नंबर्स हैं हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, ये आपका HCF हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। HCF ऑफ 42 एंड 56, तो 42 और 56 को भी हम डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों इवन नंबर हैं, तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। अब देखेंगे कि हम 21 और 28 ये दोनों कौन से नंबर से डिविजिबल हैं। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो 7 से डिविजिबल हैं। तो 7 3 ज़ा 21 और 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास जो है वो 3 और 4 बचा है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करता हो, सिर्फ 1 जो है वो 3 और 4 को डिवाइड कर सकता है। तो हमारे पास 42 और 56 का HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 14। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिन नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है, हम ये देखते हैं कि वो दोनों नंबर कौन से कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं। जैसे 42 और 56 ये दोनों नंबर जो हैं ये 2 से डिविजिबल हैं, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर जो हमारे पास दो नंबर्स आए हैं, तो हम देखेंगे ये दोनों नंबर्स कौन से कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 7 से डिविजिबल हैं। अब हमारे पास डिवीजन के बाद जो है 3 और 4 आ गया, तो 3 और 4 जो है ये दोनों नंबर जो हैं ये हमारे पास किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हम अपने डिवीजन के प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे और जो लेफ्ट पे नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, HCF होगा। तो ये जो 14 है ये 42 और 56 का HCF है।